नमस्ते एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। अब बाइनोमियल और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एग्जाम में तीन टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला होता है नॉर्मल टाइप, दूसरा होता है वर्ड प्रॉब्लम और तीसरा होता है फिटिंग। तो अभी नॉर्मल टाइप के ऊपर हमने एक वीडियो बना चुका हूं मैं, उसका लिंक आई बटन पे मिल जाएगा या तो डिस्क्रिप्शन में पूरे के पूरे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर और जो बाकी के बचे चार टाइप्स हैं उनके भी ऊपर एक एक वीडियो बनने वाला है। एंड वन मोर थिंग, देयर इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल विच इज द थर्ड टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, उसके ऊपर भी मैं वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है? सो उसका टेंशन मत लो। तो अभी हम डायरेक्टली वर्ड प्रॉब्लम इस टाइप के ऊपर जंप करते हैं। इट इज ऑब्जर्व दैट 40% ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ सर्टन क्लास वेयर ग्लासेस, मतलब एक क्लास में 40% स्टूडेंट्स ग्लासेस यानी कि चश्मा पहनते थे, ओके? तो अभी सबसे पहले आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि आपका सम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का है? तो अगर सम में यस नो ग्लासेस पहनते थे या नहीं पहनते, चड्डी पहनते थे या नहीं पहनते, कबूतर उड़ता था या नहीं उड़ता था, कॉकरोच उड़ता था या नहीं उड़ता था, अगर हाँ या नहीं, अगर लाइक बाइनरी टाइप है, मतलब हाँ या नहीं, या तो हाँ या तो नहीं, अगर ऐसा है तो वो जो सम है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है। अगर ऐसा नहीं है तो एक बार और एक चीज़ आपको चेक करना है, ये चीज़ अगर चेक करना है आपको, अगर ऐसा हाँ नहीं में नहीं है तो, अगर ये चीज़ भी अगर सही है तो आपका सम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है, अगर इन दोनों में से कुछ भी सही नहीं है तो वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का है। एंड देन आपको इस मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, इसके ऊपर भी हम आने वाले हैं, उसका टेंशन मत लो। सो अभी बेसिकली यहाँ पे यस और नो में चीज़ें हैं, ग्लासेस पहनता है ग्लासेस नहीं पहनता, ओके? सो इसका मतलब हमारा सम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है। तो अभी पी, अब यहाँ पे इसमें क्या होता है, दो चीज़ें होती है, एक पी और एक क्यू। तो जो पी होता है वो हमेशा यस वाले साइड से होता है, मतलब अब यहाँ पे 40% लोग ग्लासेस पहनते थे तो पी यानी कि ग्लासेस पहनते थे, तो 40% लोग ग्लासेस पहनते थे इज इक्वल टू 40/100 एंड इज इक्वल टू 0.4%, मतलब 0.4% ग्लासेस पहनते थे। तो अगर 0.4% ग्लासेस पहनते थे तो इसका मतलब ये भी है क्यू, क्यू हमेशा नो के साइड से होगा। सो अगर 40% ग्लासेस पहनते थे इसका मतलब क्या है, 60% लोग ग्लासेस नहीं पहनते थे। सो 60/100 ये सब करने की जरूरत नहीं, वैसे डायरेक्टली आप 0.6% लिख सकते हो, बट स्टिल सो मतलब अभी 0.6% ग्लासेस नहीं पहनते थे, राइट? यहां तक हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, पी और क्यू हमें पता चल गया। अब इफ 5 स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर सिलेक्टेड एट रैंडम, मतलब मैंने रैंडमली 5 बच्चों को उठाया, अब 5 बच्चों को उठाया, इसका मतलब यह है कि 5 n है, ओके? मतलब n का वैल्यू 5 है। तो जब कोई ऐसा नंबर आता है कि क्लास में से मैं 5 बच्चे उठाता हूँ या स्विमिंग करने में 10 बच्चों को भेजता हूँ, ऐसे अगर अगर वो नंबर है तो ऐसे नंबर्स को हम n डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे n जो है वो 5 होगा, राइट? सो n इज इक्वल टू 5, आपको लाइक काइंड ऑफ समझ जाएगा कि क्या n है। और अभी जब आपको p, q और n की वैल्यू मिल जाती है तब आपको आंख बंद करके ये वाला फॉर्मूला यूज कर देना है, ओके? अभी ये वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अब इस वाले फॉर्मूले में हम ये वैल्यूज पुटअप करते हैं, तो अगर हम पुटअप करेंगे ये वाले वैल्यूज तो हमें मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू एन सी एक्स। एन का वैल्यू क्या है, मतलब इसका मतलब 5 c x देन पी रेस टू एक्स। सो पी का क्या वैल्यू है, पी का वैल्यू है 0.4, सो 0.4 रेस टू एक्स, q रेस टू n माइनस एक्स, q का वैल्यू क्या है 0.6 रेस टू n माइनस एक्स, n माइनस का क्या, आई मीन n का क्या फॉर्मूला है, n का फॉर्मूला 5 है, 5 माइनस एक्स। तो ये आ गया हमारे पास। अब आगे बढ़ते हैं, इफ 5 स्टूडेंट्स ऑफ दिस रैंडमली, व्हाट इज द चांस दैट अमंग देम नो वन वेयर ग्लासेस, इसका मतलब ये है कि उन 5 बच्चों में से कोई भी ग्लासेस नहीं पहनता, ओके? मतलब x का वैल्यू जो है वो 0 होगा, मतलब 0 लोग ग्लासेस पहनते हैं फ्रॉम दोज 5 किड्स। सो अभी यहाँ पे x को हम 0 से रिप्लेस करते हैं, सो यहाँ पे 0 आएगा, देन यहाँ पे 0 आएगा, एंड यहाँ पे भी 0 आएगा, एंड यहाँ पे भी 0 आएगा। अब इसे हम कैलसी की मदद से कैलकुलेट करेंगे। सो गाइज, ये हमारा कैलसी है, ये जो कैलसी है सबसे ज़्यादा मॉडिफाइड वर्जन है, और ये जो कैलसी है वो एग्ज़ाम में ऐसे सम सॉल्व कर सकता है जो बाकी के साइंटिफिक कैलकुलेटर्स नहीं कर सकता, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा मैट्रिक्स स्टोर करना और ज़्यादा से ज़्यादा डिग्रीज के इक्वेशन सॉल्व करना। बाकी के कैलसीज बस 3 मैट्रिक्स स्टोर कर सकते हैं या 3 डिग्री तक के इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, बट ये उससे 1 या 2 लेवल और ज़्यादा के इक्वेशंस और मैट्रिक्स स्टोर कर सकता है और
इक्वेशन सॉल्व कर सकता है। ओके, तो अगर आपको ये कैल्सी परचेस करना है तो इसका बेस्ट बाय अमेजोन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ये कैल्सी परचेस कर सकते हो। ओके, सो अभी हम सम के ऊपर जंप करते हैं। सो सबसे पहले हम टाइप करेंगे 5, देन उसके बाद शिफ्ट और डिवाइड के ऊपर एक ऑप्शन है NCR, वो टाइप करेंगे एंड इसके बाद 0 टाइप करेंगे एंड ब्रैकेट के अंदर वी हैव 0.4 एंड यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन दे देता हूँ मैं बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट, नहीं तो एरर आ सकता है। और यहाँ पे 0 एंड उसके बाद अगेन ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन, अगेन ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर 0.6 एंड उसके बाद रेस टू 5 - 0 इज 5, सो यहाँ मैं 5 लिखता हूँ एंड आंसर इज 0.07776। तो अभी जैसे कि आपने देखा कि इसका आंसर 0.0776 आता है, तो दैट इज द आंसर। एंड अभी एटलीस्ट वन वेयर ग्लास, मतलब उन 5 बच्चों में से एटलीस्ट एक बच्चा ग्लास पहनता है। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, एटलीस्ट एंड एट द मोस्ट, अगर एटलीस्ट है मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट एक बच्चा, मतलब एक बच्चा या एक से ज्यादा बच्चा। ओके, मतलब या तो एक या तो एक से ज्यादा, 2, 3, 4, 5। ओके, बट एटलीस्ट एक चाहिए। ओके, एक से ज्यादा चलेगा। और एट द मोस्ट में क्या होता है, एट द मोस्ट 3 चाहिए, यानी कि 3 से ऊपर नहीं चलेगा। ओके, तो अभी यहां पे क्या है, एटलीस्ट एक बच्चा ग्लास पहनता है, सो यानी कि x जो है इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, या तो 1 या तो 1 से ज्यादा। एटलीस्ट का मतलब ये होता है एटलीस्ट 1, यानी कि या तो 1 या 1 से ज्यादा, बट एटलीस्ट एक चाहिए ही चाहिए। एट द मोस्ट में क्या होता है, फिर से एट द मोस्ट 3, यानी कि 3 तक चाहिए, 3 से ऊपर नहीं चाहिए। ओके, एट द मोस्ट ज्यादा से ज्यादा 3 चाहिए, 3 से ऊपर नहीं चाहिए। ओके, सो अभी आगे बढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सो अभी ये कैसे सॉल्व करते हैं, तो अभी ये कैसे सॉल्व करते हैं, अभी देखो यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, ये है हमारे पास। सो अभी x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और इज इक्वल टू 1, क्योंकि एडिशन ऑफ एवरी प्रोबेबिलिटी 1 होता है। सो अभी x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी कि x या तो 1 है या 1 से बड़ा है। ओके, यहाँ तक 5 तक, क्यों, क्योंकि n का वैल्यू 5 है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हमें इन सब के प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करने पड़ेंगे, या तो इस 0 को उधर लेके जाना पड़ेगा। सो अभी जो बेटर ऑप्शन है वो ये है कि 0 को उधर लेके जाएंगे, क्योंकि सबके प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करने में इट्स अ वेरी टीडियस टास्क। ओके, सो अभी 0 को अगर उधर लेके गए, सो 1 - 0, मतलब 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, सो 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 इज इक्वल टू दिस, सो मतलब वही होगा। सो 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, आई मीन एक्स लेस देन 1 भी लिख सकते हैं, और इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि आपको बस साइन चेंज कर देना है, मतलब इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सो उसका अपोजिट क्या होगा, x इज लेस देन 1, राइट। सो इट्स लाइक दैट, सो 1 - p ऑफ x इज इक्वल टू 0, x इज लेस देन 1, 0 ही होता है। ओके, सो 1 - आई मीन मैं इस लाइन की बात कर रहा था, अगर x इज लेस देन 1 है तो वो 0 ही होगा। ओके, सो अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, सो अभी इसमें क्या है, x की जगह पे हमें 0 डाल देना है बस, जो कि हमने ऑलरेडी किया ही है। आई मीन यहाँ पे भी x इज इक्वल टू 0 था, बट यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि यहाँ पे 1 - 0.07776 करना है। सो अगर 1 - 0.776 अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा 0.9223, तो ये आपका आंसर है। अब इसी के साथ आपका सम खत्म हो जाता है। अब एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, या बेसिकली इस सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक में जितने भी सारे टाइप के क्वेश्चन हैं, हर एक टाइप के क्वेश्चन के ऊपर यूट्यूब पे मैंने एक एक एग्जाम्पल सॉल्व किया है। बट मैं आपको ये कहूंगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करनी चाहिए इन हर एक टाइप के ऊपर। सो इन यूट्यूब कोर्स इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन, यू कैन से ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स ऑन एवरी टॉपिक, तो इसीलिए मैंने एक एक सम सॉल्व किया है। तो अगर आपको ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करने ऑन एवरी टॉपिक, तो नोट्स में मैंने मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स कवर किए हैं, और मेरे फुल कोर्स में भी उन मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स को सॉल्व किया है। मेरे जो ये दो प्रोडक्ट्स है, नोट्स और फुल कोर्स, इन दोनों में मैंने इनफ नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स सॉल्व किए हैं ऑन एवरी टॉपिक कि अगर आप सिर्फ उन एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस करके एग्जाम में गए तो आप आराम से 70-80% मार्क्स स्कोर कर सकते हो। दैट्स माई प्रॉमिस टू यू। ओके, सो नोट्स अगर आपको परचेस करना है या फुल कोर्स भी अगर आपको परचेस करना है, तो लिंक दोनों के आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और साथ ही में मैंने क्या क्या कवर किया है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। Subscribe to my other YouTube channel as well called Planet Ojas, where I make motivational videos. Thank you for watching this video and have a nice day. Bye-bye.